हेलो, गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स। तो जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है येट अनदर ब्लॉग में। आज हम जैसलमेर में हैं और डे 4 हो गया है हमारा। टू नाइट हमने जैसलमेर में लगा दी है और कल पूरा जैसलमेर एक्सप्लोर किया, आप व्लॉग देख लीजिए। और आज का दिन है, हम जा रहे हैं अभी टेनोट माता मंदिर, जो यहाँ से लगभग 128 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जाएंगे फिर लोंगे वाला, जहां इंडो पाक वार हुई थी, जो हमारी एक कंपनी ने पूरी टैंक ब्रिगेड को रोक दिया था, आगे बढ़ने नहीं दिया था। और पूरा वहां का पाकिस्तान के टैंक पड़े हैं वहां पे साजो सामान पड़ा है उनका, जो जब्त किया है, छोड़ के भाग गए थे। तो लोंगे वाला के बाद फिर चलेंगे सैम ड्यून्स, जो अपना डेजर्ट है अपना। तो आज काफ़ी लंबा और शेड्यूल बहुत टाइट है, तो इसीलिए जल्दी निकल लिया है। 7:30 बजे हैं सुबह के, अभी सारे होटल वाले सो रहे हैं, अभी उठा के उसको चेकआउट किया है, तो रेडी हैं। अभी पेट्रोल भी भरवाना है हमने, तो आगे पेट्रोल पंप आएगा तो पहले पेट्रोल भरवाएंगे और फिर एवरेज भी चेक करेंगे। तो बस यही शेड्यूल है, चलते हैं भोलेनाथ का नाम लेके, जय भोले की। तो गाइस अभी पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, तो टैंक फुल करवा लेते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे आगे। और ये है पेट्रोल पंप। तो गाइस यहाँ पे जो रीडिंग दिखा रहा है 814 किलोमीटर है हमारे ट्रिप पे, और अब हम टैंक को फुल करा रहे हैं, फिर मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अब सेकंड में कितनी एवरेज मिली है हमें। तो अब चलते हैं टैंक फुल करा लेते हैं। तो गाइस इसमें आया है 26.96, वही पिछली बार भी 27 लीटर आया था, इस बार भी 27 लीटर आया है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी जो फ्यूल कंजम्पशन हुआ है हमारे ट्रिप पे बीकानेर टू जैसलमेर। तो गाइस जैसलमेर का सनराइज हो चुका है और देखिए सूर्य देवता निकल चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो गया है टेनोट माता मंदिर के लिए। और मैं कैलकुलेशन करके बता दूं कि हमारा जो सेकंड माइलेज आया है जिमनी का, तो फर्स्ट माइलेज आया था लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर का, और सेकेंड आया है जो कैलकुलेशन करने के बाद वो आया 14.17, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 382.6 किलोमीटर इन 27 लीटर्स है, तो 14.17 का इस बार आया है माइलेज, क्योंकि ठीक ठाक है, क्योंकि 2 घंटे हमने चलाई थी वहाँ पे सिटी के अंदर। तो टेनोट माता काफ़ी फेमस टेंपल है जैसलमेर का, और BSF इसको ऑपरेट करता है। तो कहा जाता है 1965 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो 3000 बम फेंके थे, और इस मंदिर के आसपास कोई भी बम नहीं फटा, जिंदा बम अभी हम देखेंगे वहाँ पे लगा रखे हैं इन्होंने अपना वार मेमोरियल के अंदर, पूरा कुछ दिखाया हुआ है जितने बम जो फटे नहीं थे, लाइव बम भी अभी पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की वजह से कह रहा है कि हमारी ये जो जीत हुई थी पाकिस्तान पे। तो उसके बाद फिर जाएंगे लोंगे वाला, जहाँ बैटल हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ, जो पूरी टैंक रेजिमेंट थी पाकिस्तान की, उसके साथ हमारी सिर्फ 200 लोगों ने पूरा उनको रोका था। पूरी आई थिंक 38 या 40 टैंक्स थे, बैटन टैंक्स, पैटर्न टैंक, बहुत ही मतलब कि उस टाइम माने जाते थे अवैध पैटर्न टैंक जो पाकिस्तान के, और उनको रोक दिया था हमारे सिर्फ 200 लोगों ने, कब्रगाह बना दी थी उनकी। 9 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे टेनोट माता मंदिर टेंपल, और उसके बाद देखते हैं बॉर्डर भी 20-25 किलोमीटर बाद है, जो इंडो पाक बॉर्डर है वो भी पास में ही है, तो BSF वालों से बात करेंगे, अगर वहाँ जाने का कोई सोर्स होगा या जा सकते हैं तो जाएंगे वहाँ बॉर्डर तक। ये देख लीजिए, ये हाईवे बहुत ही प्यारा हाईवे है अभी,
अभी खेत शुरू हो गए हैं दोनों तरफ। राजगढ़ अभी पीछे जो गांव निकला है, एक राजगढ़ निकला है बस। अब मिलते हैं आपको सीधा वहां पे तनोट माता मंदिर पे। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं तनोट माता देवी के मंदिर में और अब हम आपको दर्शन कराएंगे माता के। और इसके बाद यहाँ पे जो भी म्यूज़ियम है, यहाँ पे लाइव बम रखे हुए हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं सीधा मंदिर में। ये दिखा दूँ मैं, ये मंदिर है, मेन मंदिर परिसर है। यहाँ पे अंदर जाके दर्शन होंगे। और ये ऑडियो विजुअल एंड वेपन डिस्प्ले यहाँ पे दिखाया गया है, वेपन जो पकड़े थे या जो भी बम होंगे लाइव आई थिंक। और वो एंट्री गेट है सामने, तो चलते हैं अंदर मंदिर में। ये है मेन मंदिर परिसर, यहाँ पे पाकिस्तान ने मोर देन 3000 बम मारे थे इस पे, और हम कहते हैं कि कोई भी बम नहीं फूटा था। गाइस मैं हूँ अभी तनोट माता जी के मंदिर में, जैसलमेर से लगभग 130 या 128 किलोमीटर आगे है, बॉर्डर एरिया इंडो पाक बॉर्डर के पास। और यहाँ पे मैं दिखा लाइव बम, माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाला पाकिस्तानी बम। ये सब लाइव बम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बम जो फटे नहीं है। और ये है तनोट माता के चमत्कार को नमन। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हार के उपरांत पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान द्वारा स्वरूप भेंट किए गए चांदी के छत्र। ये चांदी के छत्र पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने भेंट दिए थे। तो यह है ऑडियो विजुअल वेपन डिस्प्ले। तो ये मिनी एंटी टैंक माइंस का वेपन है, ये बॉम्ब ML-51, ये पिस्टल है 9mm ऑटो बाइनोकुलर बॉम ML-551mm बोर। तो ये यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ भी है स्टेन गन मोटार MMG। इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ से 20 किलोमीटर। और यहाँ पे परमिशन के लिए आपको ऐसा फॉर्म मिलता है, फॉर्म भर के आधार नंबर, अपना गाड़ी नंबर, सब कुछ भर के देना पड़ता है। तो ये यहाँ से परमिट बना के देते हैं वहाँ जाने के लिए। तो मैं वही परमिट बनवा रहा हूँ, फिर चलेंगे सीधा इंडो पार्क बॉर्डर पे। तो गाइस अभी 1 आवर हमने यहाँ स्पेंड किया है और अब हम जा रहे हैं बॉर्डर पे। हमने परमिट बनवा लिया है, सिंपल है, आपको आधार कार्ड नंबर भरना पड़ता है और आपका परमिट बन जाता है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर बताते हैं और नेविगेशन में तो अभी आ नहीं रहा, देखते हैं। ये देख लीजिए, ये बॉर्डर एरिया है, जस्ट अभी 15 किलोमीटर और रह गया है जो इंडो पाक बॉर्डर है हमारा राजस्थान का, जैसलमेर के पास। और ये अब दिखा रहा है 14 किलोमीटर, और सामने बस जा रही है टूरिस्ट बस। और पूरा बियाबान है यहाँ पे, पूरा रेगिस्तान। और 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ की रोड तो ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है। तो 2016 में आया था, तब हमें जाने का मौका नहीं मिला था, तब आई थिंक परमिट बहुत मुश्किल से मिलता था, परमिट उसके लिए अप्रोच लगानी पड़ती थी, वैसे ओपन परमिट नहीं था। इस बार तो ओपन परमिट है, आप सीधा जाएं, अपना आईडी दिखाएं, आईडी भरें और आपको परमिट मिल जाता है हाथों हाथ, बहुत इजी है। लेकिन ये तनोट माता मंदिर के पास में ही मिलेगा आपको ये परमिट। और वहाँ से 20 किलोमीटर है बॉर्डर तनोट माता मंदिर से,
और इस तरह का एरिया ये देख लीजिए। तो गाइस बलियान एक जगह है जहाँ पे बॉर्डर है और ये देखिए सामने पूरा रेगिस्तान और इसके बाद आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है बलियान यहाँ से, यहाँ पे बॉर्डर है, ये सामने आई थिंक दिखाई दे रहा है और आगे आपको पूरा पाकिस्तान एरिया नज़र आएगा और ये रेगिस्तान के जहाज, पूरा बंजर एरिया, ये पूरा बंजर एरिया। तो हम आगे हैं इंडो पाक बॉर्डर पे, वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, पार्किंग है यहाँ पे, ये इंडो पाक तो चलते हैं अंदर क्या क्या बना हुआ है देखते हैं। तो गाइस ये सामने है मचान टावर और वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर नज़र आता है, पाकिस्तान एरिया नज़र आता है और यहाँ पे बीएसएफ की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सामने बना रखा है, ये ऑफिसर लॉन्ज है, वेपन डिस्प्ले एरिया है। तो अभी डेवलप हो रहा है ये एरिया, बीएसएफ द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पहले तो बिल्कुल अलाव नहीं था, जब 16 में आया तो कोई आने नहीं देता था इस तरफ, अभी शुरुआत हो गई है लेकिन अभी ज़्यादा भीड़ नहीं आती है, सब सीटें टूटी हुई हैं यहाँ पे परेड ग्राउंड, अभी उतनी भीड़ नहीं आती जितनी पाकिस्तान में वो उधर पंजाब में आती है। तो एक बार ऊपर जाके फिर चलते हैं वापसी। हम हैं इंडो पाक बॉर्डर पे टनोट माटा से मंदिर से 20 किलोमीटर आगे और इसके लिए परमिट बनवाया था और ये देखिए सामने फेंस लगा हुआ है, पूरा दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा फेंस, ये पूरा, ये इस तरफ है इंडिया और पल्ली तरफ है पाकिस्तान और ये बीएसएफ का टावर सामने और वो काला सा गेट नज़र आ रहा है, वो एंट्री है दोनों तरफ जाने आने जाने की और ये परेड ग्राउंड हम और सामने है वहाँ पे चेक पोस्ट लगा हुआ और इस तरफ अपना एरिया पूरा। और यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये हमारी पार्किंग जिमनी खड़ी है और यहाँ से क्लियरली देखिए ये गेट, काला गेट पूरा, कितना फेंसिंग है। मज़ा आ गया, और 2016 में आया था तब तो चांस नहीं मिला था आने का, तब परमिट नहीं मिल रहे थे, इस बार परमिट मिल गया है तो हम आ गए हैं। अब सीधा चलेंगे लोंगेवाला पोस्ट और लोंगेवाला के बाद चलेंगे अपना सैंड ड्यून्स।